हेलो एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसके उपलक्ष्य में मैंने बनाए हैं रोज मोदक, बहुत ही मजेदार विदाउट शुगर, रोज और गुलकंद के कुछ डिफरेंट से हैं। होप यू आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। पहले भी मैंने काफ़ी तरह के मोदक बनाए हैं जो मेरे चैनल पे स्वीट की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं। ये लिए मैंने दो सेसे 10-10 रुपए वाले मिल्क पाउडर। अगर आपके पास बड़ा पैकेट है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसको मैंने कट कर लिया है और इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बाउल के अंदर। ये करीबन एक बड़ा चम्मच भर के है और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और उसको घोल लेंगे दूध के साथ। तो इसमें करीबन एक ही चम्मच आप समझ लीजिए आपको दूध डालना है और इसको इस तरह से पतला स्लरी की तरह बना लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर कितना फाइनली इसमें दूध में अच्छे से घुल गया है। मैंने रखा गैस पे पैन, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। जो हमने मिल्क वाला पाउडर बनाया है दूध के साथ वो सबसे पहले इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसके अंदर कर दिया ट्रांसफ़र। अब इसके अंदर हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जिसको नारियल का बुरादा कहते हैं। ये एक कप लिया है, ये इसके साथ हम पकाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले भी मैंने काफ़ी तरह के नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर की है जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप नारियल के लड्डू के शौकीन हैं तो जाके जरूर देखिएगा। ये देखिए, इस तरह हम लगातार इसको 10 से 15 मिनट भूनेंगे। ये देखिए, मुझे भूनते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये डो की फॉर्म में आ रहा है। इस वक्त हम इसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी। घी का इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, थोड़ा सा डालेंगे ना तो ये थोड़ा स्टिकी नहीं होगा। तो बस एक चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, और इस रेसिपी में आज मैं चीनी का यूज़ नहीं करूँगी, और कुछ डालूँगी वो आगे मैं आपको बताऊँगी इसमें मैं क्या किस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसको और हम 2-5 मिनट भूनेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डो के फॉर्म में हो गया है। बस इसको अब थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। इस मिक्सचर को मैंने बड़े बाउल में निकाल दिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब इसमें हम यूज़ करेंगे रोज शरबत, जिसको रू अफ़ज़ा कहते हैं। आपके पास जो भी कंपनी का हो आप ले सकते हैं, तो इसी से ये मीठा हो जाएगा। तो ये देखिए, करीबन समझ लीजिए मैं एक बड़ा चम्मच भर के इसमें डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर ले। और इसको टेस्ट भी आप करके देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा ये कितना मीठा है। अगर आप कम लगता है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, कलर भी बहुत ही सुंदर सा आया है इसका। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। अब इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, मिक्सचर मैंने फ्रिज में रखा है ना, तो ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। आप इस तरह से हाथ में लेके ये बॉल बना के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब परफेक्ट बना है कि नहीं बना है। ये लिया मैंने मोदक वाला मोल्ड और इसको देसी घी लगा के थोड़ा ग्रीस कर दिया है। फ्रेंड, आप घी का यूज़ कीजिएगा क्योंकि मिठाई है, तो ये इसके अंदर हम फिल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप फैला लीजिए इसको। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से इसके अंदर फिल करना है हमें। बीच में जगह बनानी है क्योंकि बीच में कुछ स्टफिंग करूँगी, मैं आपको बताऊँगी वो कि क्या स्टफिंग कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसको बंद कर लिया मैंने और चारों तरफ से अंगुली से दबा दबा के हम भर लेंगे। और थोड़ी सी देखिए, इस तरह से मैंने इसमें बीच में खड्डा कर लिया है। अब इसके अंदर मैं भर रही हूँ ये पान वाला गुलकंद, जो पान वाले हैं ना उनके पास ये बड़े ही आसानी से मिल जाएगा क्योंकि हमने चीनी का यूज़ नहीं किया है। तो इसको मीठा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ, देखिए इतना सारा गुलकंद बीच में इस तरह से, और इसको हम इस तरह से अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए, दबा के ताकि अच्छे से शेप दे। आइए देखिए, मैं खोलती हूँ इसको। ये देखिए, इस तरह से इस सांचे को खोल लीजिए। वाह, देखिए कितना प्यारा सा हमारा रोज मोदक बनके तैयार हुआ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से मैं सारे मोदक तैयार कर लूँगी। देखिए, हमारे मोदक बिल्कुल बनके तैयार है। इसको गार्निशिंग किया है मैंने रोज पेटल के साथ, क्योंकि रोज मोदक है तो मैं रोज पेटल के साथ मैंने थोड़े ट्रे में भी ड्राई वाले पेटल्स लगा दिए हैं और इसके ऊपर भी। होप यू आपको मेरी बनाई हुई ये मोदक की रेसिपी पसंद आई होगी। पहले भी मैंने काफ़ी तरह के मोदक बनाए हैं जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।